आज हम लोग बात करेंगे मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स, मतलब शरीर के अलग अलग जॉइंट्स के जो मूवमेंट्स होते हैं वो तीन हिस्सों में बांटेंगे। एक है लोअर लिम, एक है अपर लिम और तीसरा है स्पाइन या हेड, मतलब सिर और मेरा रीढ़ की हड्डी जो है वहाँ पर। तो अभी हम लोग मूवमेंट्स देखेंगे, शुरू करेंगे हम लोग लोअर लिम से। तो लोअर लिम में जो मूवमेंट्स होते हैं अलग अलग जोड़ों में होती है, जॉइंट्स में होते हैं। तो एक है आपका यहाँ पर जो होती है हिप जॉइंट है, यहाँ पर हिप जॉइंट है, यहाँ पर नी जॉइंट है और यहाँ पर एंकल जॉइंट और ये मेरा फुट रिज है। तो हर एक जॉइंट्स में ही मूवमेंट पाया जाता है। हम लोग शुरू करेंगे अपना ऊपर शुरू करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द हिप जॉइंट। तो हिप जॉइंट क्या है? हिप जॉइंट मेरा जो स्पाइन है और मेरा लोअर लिम दोनों के बीच में एक आपका संधि तैयार करता है। तो यहीं शुरू होती है मेरा लोअर लिम। अब हिप जॉइंट्स में जो मूवमेंट्स होते हैं उसको हम अलग अलग पोजीशन में देख सकते हैं। एक तो सीधा लेटे हुए जिसको सुपाइन पोजीशन बोलते हैं, एक उल्टा लेट के जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोन पोजीशन, और तीसरा होता है खड़े होके स्टैंडिंग पोजीशन। प्राइमरीली ये तीन पोजीशन हम लोग मूवमेंट्स को देख सकते हैं। तो कुछ मूवमेंट्स जो हम लोग सुपाइन पोजीशन में देख सकते हैं या सीधा लेट के देख सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो मूवमेंट देखेंगे हिप जॉइंट का वो है हिप का फ्लेक्शन, फ्लेक्शन ऑफ द हिप जॉइंट, FLEXION, फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का मतलब क्या? बहुत सिंपल है, हम लोग हिप जॉइंट को आहिस्ते से सीधा ऊपर उठाएंगे। ये देखिए बढ़िया उठ रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या है, ही इज अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो इसमें बहुत बढ़िया इसका जो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छा है, इसीलिए ये बहुत अच्छा उठा पा रहा है विदाउट बेंडिंग। तो जनरली जब हम लोग चेक करेंगे तो बिना घुटने को मोड़ के हम लोग चेक करेंगे हिप जॉइंट का फ्लेक्शन। तो ये हुआ हमारा हिप जॉइंट का फ्लेक्शन। अब देखेंगे हम लोग हिप जॉइंट का ऑपोजिट मूवमेंट जो है उसको बोलते हैं एक्सटेंशन, पलट जाओ। तो ये जो पोजीशन है इस पोजीशन को हम प्रोन लाइन पोजीशन बोलते हैं, PRONE, प्रोन प्रोन लाइन, या पेट के बल पे लेट का। तो पेट के बल पे लेट के हम लोग चेक करेंगे हिप जॉइंट का एक्सटेंशन। तो हिप जॉइंट एक्सटेंशन क्या होगा? ये होगा एक्सटेंशन, मतलब घुटने को सीधा रखते हुए हम लोग पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे टुवर्ड्स द सीलिंग। तो ये है हमारा हिप जॉइंट का एक्सटेंशन, और एक बार देखते हैं, ये है मेरा हिप जॉइंट का एक्सटेंशन, ठीक है। अब फिर दूसरा मूवमेंट देखेंगे, सीधा लेट जाओ। तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन देख लिए हैं, अब नेक्स्ट मूवमेंट देखेंगे, पैर को जैसे बाहर करते हैं, ये होता है हमारा हिप जॉइंट का एबडक्शन, मतलब ये जो न्यूट्रल पोजीशन है इस न्यूट्रल पोजीशन से हम लोग पैर को बाहर की तरफ लेके जाएंगे, मतलब टुवर्ड्स द एज ऑफ द बेड अगर लेके जाएंगे उसे बोलेंगे हम लोग एबडक्शन। एबडक्ट मतलब दूर लेके जाना, एबडक्शन, ABDUCTION, एबडक्शन। तो तीन मूवमेंट देख लिए हम लोग, एक है फ्लेक्शन, दूसरा है एक्सटेंशन, तीसरा एबडक्शन। अब अगला मूवमेंट क्या देखेंगे? अगला देखो, देखें जैसे इस पैर को ये न्यूट्रल पोजीशन है, मतलब इस पोजीशन से हम लोग दूसरे पैर को क्रॉस करते हुए ऑपोजिट साइड पे जो पैर को लेके आऊंगा उसे बोलेंगे हम लोग एडक्शन, मतलब ये न्यूट्रल पोजीशन है, इस पोजीशन से हम लोग इसे ऑपोजिट लिम को क्रॉस करते हुए जब मैं ऑपोजिट साइड में लेके जाऊंगा यह मेरा एबडक्शन। अगर मैं थोड़ा सा इस पैर दिखाता हूं तो ये न्यूट्रल पोजीशन है, यहां से मैं इधर मोड़ते हुए ऑपोजिट लिम को क्रॉस करते हुए मैं उल्टे तरफ लेके जाऊंगा वो है मेरा एबडक्शन। तो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन। फ्लेक्शन का ऑपोजिट जो होती है वो होता है मेरा एक्सटेंशन, एबडक्शन का ऑपोजिट जो होती है वो है मेरा एडक्शन। तो ये चार मूवमेंट हम लोगों का हिप जॉइंट में हो गया। अब पांचवा जो मूवमेंट है उसे बोलते हैं रोटेशन मूवमेंट। रोटेशन को हम लोग देखने के लिए बहुत इजी होता है, हम लोग बैक के देखेंगे। तो हम लोग बैक के देखेंगे, पैर को सामने रखने से बैठ जाओ। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे मूवमेंट जो है रोटेशन, जो मूवमेंट है हिप जॉइंट का वो रोटेशन मूवमेंट को देखेंगे। तो रोटेशन क्या है, देखिए ये जो मूवमेंट पैर के अंदर मोड़ लेके आ रहे हैं घुटने को मोड़ के, तो ये है मेरा एक्सटर्नल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन या मेरा एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है। और ये जो बाहर लेके जा रहा हूँ ये है मेरा इंटरनल रोटेशन। अब एक्सटर्नल रोटेशन को हम लोग
ये देखिए, ये इंटरनल और ये एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल को हम लोग लैटरल भी बोलते हैं और इंटरनल को हम लोग मीडियल बोलते हैं, मतलब मीडियल रोटेशन या इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन या मेरा लैटरल रोटेशन। तो ये मेरा मूवमेंट हुआ मीन्स हिप जॉइंट का। तो हिप जॉइंट के जो मूवमेंट्स हुए तो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन। तो इतना हमारा मूवमेंट हुआ।